हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर पफ स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसमें साथ ही मैं आपको फोर टक्स ब्लाउज भी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर ये ब्लाउज रेडी करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है ब्लाउज का और ये मैंने नेट लिया हुआ है। तो आधा मीटर नेट आपको सफिशेंट रहेगा पफ स्लीव्स बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये इसका बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले। अगर आपने नहीं देखा है और आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। आप इसे देख के इजीली बना सकते हैं। 32 साइज का मैं यहाँ पर पफ स्लीव्स ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ पूरा ट्यूटोरियल शेयर करूँगी और इस मेथड से आप सभी साइज का पफ स्लीव्स बनाना सीख सकते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। अस्तर के कपड़े को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। ये बेल्ट ब्लाउज रहेगा तो एक इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो नीचे टोटल लेंथ में आपको एक इंच एक्स्ट्रा लेना है लेंथ में, और हाफ इंच मैंने हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद हमें टोटल लेंथ रखनी है। तो जितनी भी आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें एक इंच मार्जिन का प्रेस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी थी तो यहाँ पर भी मैंने 14 इंच पर मार्किंग किया है। और 32 साइज में 32 साइज में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आर्म होल की मार्किंग भी यहाँ पर कर ली है। उसके बाद मैं चेस्ट का फोर्थ पार्ट लूंगी। तो चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर होगा 8 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और आर्म होल की गोलाई कर देंगे यहाँ पर। तो अभी मैंने नॉर्मल गोलाई कर दी है, गहराई अभी नहीं दी है। इसके बाद कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 26 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन का। तो इतना पार्ट हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसे नीचे से कट कर लेना है। नीचे से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा हो गया है यहाँ पर। इसके बाद हम गले का मेजरमेंट लेंगे। तो गले की विड्थ आप 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रॉड बना रही हूँ इसे। मैंने यहाँ पर नेक विड्थ 2.25 इंच ली है, 2.25 इंच, और गले की लंबाई ली है 6.5 इंच। अगर आप छोटा नेक पहनते तो 6 इंच ही रखिएगा। 6.5 इंच गले की लेंथ ली है और नीचे से नेक विड्थ ली है 2.5 इंच। राउंड शेप दे दिया है। इसके बाद हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई कर देनी है। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बेल्ट यहाँ से लिया है मैंने 3.5 इंच, और यहाँ से ले रही हूँ मैं 2.25 इंच। आगे की तरफ से लिया है 3.5 इंच, कमर की तरफ से लिया है 2.25 इंच, 3.5 इंच पर मैंने इसे शेप दे दिया है। और ये मार्किंग कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे साइड से। तो साइड से आपको लेना है कम से कम 1.5 इंच, 1.5 इंच। ऊपर आर्म होल तरफ से लीजिएगा 1/2 इंच, और यहाँ पर इसे नीचे की तरफ मिला दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर बेल्ट का शेप हमने इस तरीके से सीधा करके दे दिया है। और अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो ये बैक पार्ट हमारा सिंपल अभी 4 टक्स का फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। आगे मैं आपको इसके डॉट बताऊँगी किस तरीके से लगानी है। ये देखिए, डॉट के लिए यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा 2.0, यहाँ पर मार्किंग करनी है आपको 3.5 इंच पे, 3.5 इंच, और लेंथ में टक्स को लीजिएगा 1.5 इंच पर, 1.5 इंच। 1/2 इंच दोनों तरफ से मार्किंग करेंगे हम इस तरीके से। इसके बाद ये वाला जो डॉट आएगा इसका आपको बेल्ट के नीचे तक सेंटर पॉइंट निकालना है। गले के नीचे से बेल्ट के ऊपर तक आप सेंटर पॉइंट निकालिए। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये जो भी मार्किंग हम यहाँ पर कर रहे हैं हाई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए ही करनी है। तो अब देखिए, ये दोनों टक्स का जो बीच का गैप आ रहा है वही आपको दूसरी तरफ भी ले लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में 2.25 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क कर लूँगी, और यहाँ से टक्स की लेंथ लेंगे 1.5 इंच पर और दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। तो ये वाला डॉट भी हो गया है। अब ये वाला डॉट आपको आर्म होल की तरफ लगा लेना है इस तरीके से। तो चारों डॉट हमारे हो गए हैं, बीच में एक गोला जैसा सर्कल जैसा बन जाना चाहिए।
और दूसरी तरफ डॉट लेने के लिए आप यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा सकते हैं ताकि आपको दूसरी तरफ डॉट यहाँ पर मार्किंग करने में आसानी रहेगी। बेल्ट को साइड से थोड़ा कट कर देंगे हम इस तरीके से, गले को भी कट कर लेंगे, नेक को कटिंग कर लिया है, बीच में से इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमने यही मार्किंग दूसरी तरफ से भी ले लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पर डॉट की मार्किंग कर ली है और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे मेन कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेंगे। मेन कपड़े पे मैंने इसे कट कर लिया है, नीचे जो मैं स्लीव्स में बॉर्डर लगाऊंगी वो उसका मेजरमेंट मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि इसकी विड्थ मैंने ली है लगभग ये 3.25 इंच के करीब आ रहा है, 3 इंच आ रहा है बॉर्डर, तो डबल फोल्ड करके लिया है, मेरे पास इतना ही फैब्रिक बचा है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होता है तो आप बॉर्डर को 4 इंच 4.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि मैं स्लीव्स की कटिंग आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, तो ये आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखिएगा। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है, आप 1/2 मीटर भी लेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी स्लीव्स बन जाएगी पफ वाली। तो देखिए कपड़े को आपको किस तरीके से फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड करके रखिएगा। अगर आपको कम प्लीट्स चाहिए तो आप इस तरफ से भी आप फैब्रिक को रख सकते हैं, पर मुझे प्लीट्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो मैं कपड़े को इस तरीके से रख रही हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर इसकी विड्थ ज़्यादा है वहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले आपको आर्म होल नाप लेने हैं, तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे, ऊपर से आप 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के, ये देखिए मेरे मेजरमेंट में आर्म होल आ रहे हैं 7 इंच, तो इसमें मैं 1/2 इंच प्लस कर दूंगी, 7.5 इंच में यहाँ पर लूंगी। और सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं लेंथ ले रही हूँ, तो ये विड्थ वाला जो पार्ट है उसमें मैंने नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं लेंथ नापूंगी, तो लेंथ देखिए मेरा बॉर्डर जो नीचे लगेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। टोटल लेंथ में यहाँ पर 10.5 इंच रख रही हूँ, फिर 11 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ भी जाएगा मार्जिन में। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लीजिएगा, और जितना आपका बॉर्डर होता है उतना आप मेजरमेंट इसमें से माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद नेट पे स्लीव्स की कटिंग कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच आर्म होल का ले लिया है, इसे डाउन किया है मैंने 3 इंच पे, हैवी साइज में बना रहे हैं तो आप 3.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें मार्जिन का। अब आपको यहाँ पर जितना भी पफ रखना है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ज़्यादा पफ रखूँगी, जो प्लेट्स डालूंगी वो ज़्यादा डालूंगी, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पे मार्किंग कर ली है, पूरा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग कर लिया है। उसके बाद नीचे से 8 इंच मैंने लगभग एक्स्ट्रा ले लिया है, और ये डबल में है कपड़ा हमारा। इसके बाद आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ भी मार्क करना है, इससे क्या होगा कि जो पफ बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा, प्लेट्स ज़्यादा आएंगी। और यही मैंने नीचे से भी किया था, ये देखिए 1.5 इंच जो मैंने नीचे से भी एक्स्ट्रा लिया था उसे मैंने शेप दे दिया है। और ये स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है, ये देखिए इसे मैं कट कर रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने 1.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ा लिया था, इससे पफ बहुत ही सुंदर आएगा। और अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग, तो सिंपल मैंने इसे कट कर लिया है और अब इसे हम खोल लेंगे। दोनों स्लीव्स की कटिंग मैंने साथ में ही कर ली है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर एक सुई की मदद से हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है, तो इस तरीके से आप प्लेट्स लगाइएगा। देखिए अभी मैं अंदाज से ही इसमें लगा रही हूँ प्लेट्स, अभी बताती हूँ मैं आपको कहाँ तक लगानी है, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। और कपड़ा आपको दोनों तरफ से 5-5 इंच पे कपड़ा आपको छोड़ देना है, ये देखिए दोनों तरफ से 5-5 इंच कपड़ा आपको छोड़ के यहाँ पर आपको प्लेट्स डालनी है। तो इस तरीके से आपने जहाँ पर जिस तरफ प्लेट्स का मुंह रखा है उसी तरफ आपको दूसरी नीचे की तरफ से भी प्लेट्स का जो मुंह है वो उसी तरफ रखना है, ये देखिए। तो बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स मैंने डाली है यहाँ पर,
अगर आप चाहते हैं तो जो जैसे हम एक रफ स्टिच लगाकर धागे को खींच के जो प्लेट्स बनाते हैं, आप उस तरीके से भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए, बाकी प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पर आपका कपड़ा 5 इंच होना चाहिए, ये देखिए। और इसके बाद आप अपने आर्म होल और मार्जिन वाला पार्ट जो है वो बराबर करके चेक कर लें कि स्लीव्स हमारी बराबर आ रही है या नहीं। ये देखिए, बाकी जो फैब्रिक बचता है आप उसे कट कर सकते हैं या फिर उसकी भी आप प्लेट्स डाल सकते हैं, पर लगाने से पहले, नीचे बॉटम लगाने से, बॉर्डर लगाने से पहले आप इसे आर्म होल ज़रूर नाप लें या ब्लाउज पर रखकर ज़रूर नाप लें। अब देखिए, मैं फिर से मेजरमेंट ले रही हूँ स्लीव्स की बॉटम का, तो नीचे का पार्ट रहेगा 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब मैं जितना भी फैब्रिक यहाँ पर बच रहा है मैं उसे कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, रफली कटिंग करने के बाद हमें मेजरमेंट ज़रूर यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद अब मैं नीचे की तरफ बॉर्डर अटैच करूँगी, तो मैंने जो पट्टी कट की थी यहाँ पर 3 इंच की, उसे हमने अस्तर के साथ अटैच कर लेना है। अगर आपके पास मेन फैब्रिक ज़्यादा होता है तो मेन फैब्रिक के साथ भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अस्तर के साथ भी कर सकते हैं। तो पट्टी को हमने इस तरीके से यहाँ पर तैयार करना है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से तैयार किया है इसे। बाकी पट्टी को आपको कट करना है नीचे से, ये देखिए। पट्टी को नीचे से कट करने के बाद हम इसे एक तरफ से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, एक तरफ से फोल्ड करके यहाँ पर हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब किस तरीके से आपको इसे रखना है, नीचे से पहले आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट करें, थोड़ा सा फैब्रिक आपको रहने देना है यहाँ पर इसे अटैच करने के लिए। अब आपको देखिए, स्लीव्स के पैटर्न को सीधा रखना है और नीचे से बॉर्डर को भी सीधा रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब इसे आपको मार्जिन को अंदर की तरफ कर लीजिएगा और स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप ऊपर की तरफ सिलाई लगा लें, ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत ये स्लीव्स का पैटर्न हमारा रेडी हो जाएगा। नीचे की तरफ से भी एक सिलाई लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर ये बना है। आप इस पे लेस का यूज भी कर सकते हैं, ये देखिए, बहुत ही प्यारा लुक आया है इसमें। दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर दोनों फ्रंट पार्ट अटैच कर रही हूँ अस्तर के साथ। तो दोनों फ्रंट पार्ट मैंने अस्तर के साथ अटैच कर दिए हैं। इसके बाद हमने एक एक रफ स्टिच लगानी है जिस पर हमने मार्किंग की है। इससे क्या होता है कि मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा अच्छे से अटैच हो जाता है। एक्स्ट्रा धागों को कट करके अब यहाँ पर हम डॉट डालेंगे, डॉट लगानी है हमें। तो प्लेट्स किस तरीके से आप लगाएंगे, नीचे वाले का तो हमने मार्जिन लिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर पक्का करते हुए प्लेट्स लगाएंगे। ये वाली जो प्लेट्स हैं वो आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगानी है और सिलाई को कॉर्नर से उतार के पक्का करना है। तो दोनों तरफ आपको इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है फ्रंट पार्ट में, ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है। दूसरा पार्ट भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ और इसके बाद हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। दोनों बेल्ट को हमने तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद इसे ब्लाउज के साथ हम अटैच कर लेंगे, तो आपको इस तरीके से रखते हुए बेल्ट को यहाँ पर अटैच करना है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए टक्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आप इस तरीके से सिलाई लगाएं और बेल्ट पे ध्यान रखिएगा आपको डबल सिलाई लगानी है। ये पार्ट रेडी हो गया है और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकल रहा है उसे आप सिलाई लगाने के बाद कटिंग कर लीजिएगा, ये देखिए। इसके बाद अब मैं दूसरी तरफ का पार्ट तैयार करूंगी। दूसरी तरफ भी मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ हाई हुक की पट्टी। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, तो मैं इस तरफ लगा रही हूँ, ये देखिए। अब बची हुई पट्टी को देखिए, आपको इस तरीके से रोल करके अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी। फिर से बता रही हूँ, इस तरीके से आप फोल्ड कर लें पट्टी को, और डबल फोल्ड कर दिया है मैंने, फिर ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है, तो इससे हमारी पट्टी अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग से दिखती है। दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर लिया हुआ है
और एक सिलाई हमने पट्टी को इस तरफ करते हुए लगानी है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए ये पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद आपको बराबर करके चेक कर लेना है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर गले पर पट्टी। तो गले पर पट्टी आपको इस तरीके से उरेप में कट करके अटैच करनी है। अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर लीजिएगा। दूसरा वाला गला भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको पफ स्लीव्स को अटैच करना और फिटिंग लगाना भी बताऊंगी। दोनों पार्ट को बराबर करने के बाद नीचे से चेक कीजिएगा कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके बराबर कर लीजिएगा। इसके बाद हम नीचे कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो कमर पट्टी देखिए आपको इस तरीके से लगा लेनी है। यहाँ पर कमर पट्टी मैंने अटैच कर दी है। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो ऊपर से आगे गले की तरफ से शोल्डर को आपको बराबर से रख लेना है। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे इस पर, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है, सेंटर मार्क करना है बैक पार्ट का। बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उसे आप कट करके बराबर कर लीजिएगा। आर्म होल जरूर छाट लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कटिंग करते समय हम आर्म होल थोड़ा छोटा लेते हैं और फिटिंग लगाने से पहले उसे बराबर करते हुए छाट लेते हैं। इसके बाद हमने अपनी स्लीव्स का करना है सेंटर मार्किंग और यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन कवर करते हुए हमें देखिए इस तरीके से स्लीव्स को अटैच करना है। दोनों तरफ से हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। अब देखिए नेट की स्लीव से तो इसका जो जॉइंट है वो यहाँ पर दिख सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे कट यहाँ पर लगाने हैं और इसे इस तरफ करते हुए आप एक कच्ची सिलाई डाल सकते हैं इसमें। बाद में आप इसमें हाथ से तुरपाई कर लेंगे तो ये सिलाई आपकी शोल्डर की तरफ नहीं दिखेगी। तो मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ और इसके बाद में इसे हाथ से तुरपाई करने के बाद ये सिलाई को मैं खोल दूंगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो स्लीव का जॉइंट है वो जो शोल्डर का जॉइंट है वो स्लीव्स में नहीं दिखेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये स्लीव्स इस तरीके से आ गई है। अब हमें आर्म होल का जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा देनी है इस तरीके से ब्लाउज के सीधे वाले पार्ट पर। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है इसे हम कटिंग कर देंगे और दूसरी तरफ की स्लीव्स भी मैं इसी तरीके से अटैच कर दूंगी। दोनों तरफ के पार्ट हमने अटैच कर लिए हैं और इस पे सिलाई भी लगा दी है दोनों तरफ से। अब आपको अपने ब्लाउज को उल्टा कर लेना है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो पहले आपको एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है अच्छे से जॉइंट को जॉइंट से बराबर करते हुए और फिर हम चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट निकालेंगे। तो चेस्ट का लिया है मैंने यहाँ पर 8 इंच, कमर का लिया है 6.5 इंच और यहाँ पर स्लीव्स राउंड लिया है नीचे से 5.5 इंच। स्लीव्स का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा और यहाँ पर फिटिंग लगा लेंगे हम इस तरीके से। दूसरी तरफ का पार्ट भी आप इसी तरीके से फिटिंग कर लीजिएगा और ये ब्लाउज डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।